हेलो नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। तो आज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा या जो आपके माइंड में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो उन पे आज हम डिस्कशन करेंगे। तो जो भी साथी न्यू वैकेंसीज या वेटिंग के बारे में वेट करें तो जरूर इस वीडियो को देखें, स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें। आपके बहुत सारे डाउट्स इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होने वाले हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा क्लिक बहुत ज्यादा एनर्जी देता है। आपके लिए एक छोटा सा क्लिक हो जाता है लेकिन हमारे लिए बहुत एनर्जी देता है, तो हम आपके लिए और अच्छा काम करते रहें, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड से भी करवाएं। तो फ्रेंड्स, जैसा हमारी थोड़ी ताकत है तो हम चाहते हैं कि आप इस ताकत को और बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें जिससे हम आपके लिए और अच्छा काम करते रहें। तो अभी एक नोटिस आया था DSSP या आप बोल सकते हैं कोर्ट के माध्यम से एक नोटिस मिला है। ये पता चला है कि MCD PRT के अंदर कितनी वैकेंसीज जो अभी वैकेंट है, तो टोटल लगभग 4300 कुछ पोस्ट थी जो निकाली गई थी MCD PRT 16/17 में, लेकिन अभी उसमें जो ज्वाइन हुए हैं वो कितने हुए हैं 2815। इसका मतलब है कि लगभग 1500 पोस्ट वहां पे वैकेंट हैं जिन पे कानूनी तौर पे वेटिंग आनी चाहिए। अगर देखा जाए वेटिंग आनी चाहिए, लेकिन अब बोर्ड क्या डिसाइड करता है वो उनके हाथ में। हालांकि पॉसिबिलिटी तो है कि वेटिंग वो निकालेंगे और जिस हिसाब से लग भी रहा है तो वेटिंग वो निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी इसमें कुछ डाउट रह जाता है। तो मैं अपने जो भी साथी हैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि आप वेटिंग के लिए अपनी रिप्रेजेंटेशन देते रहें। आपके कांटेक्ट में जो भी कोई अगर पॉलिटिकल पार्टी से है या मान के चलो कोई जैसे अशोक अग्रवाल सर हैं उनके पास भी आप जाएं, क्योंकि अगर आप पर्सनली जाएंगे तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा उसमें फर्क पड़ता है। आप समझ सकते हैं 1500 पोस्ट का मतलब है कि जो साथी एक दो नंबर के आसपास में है तो उनको तो जरूर बेनिफिट मिलेगा ही उसमें। तो आप लोग जाएं वहां पे विजिट करें या आपके जो कांटेक्ट में कुछ हैं ऐसे। और मैं तो ये चाहूंगा कि जितने भी आप सभी वेटिंग वाले हैं तो आप सभी एक साथ जाएं, उससे फर्क पड़ता है। क्योंकि आप PRT वाले 20 PRT वाले गए और 10-5 फिजिकल वाले गए तो उससे फर्क नहीं पड़ता, तो आप एक साथ जाएं। तो देखते हैं, पहले धरना प्रदर्शन भी होने वाला था लेकिन जैसा आप जानते हैं कि दिल्ली के जो हालात हैं वो खराब है, इस वजह से उसे स्थगित किया गया। तो कोई नहीं, अभी मेरे अकॉर्डिंग अब आपको ये पता चल गया कि 1500 जो पोस्ट है वो भी है, 2815 पोस्ट भरी गई है, मतलब जो ज्वाइन किए उसके बाद जो बची हुई पोस्ट है। तो इसके बाद जो न्यू वैकेंसीज हैं जिसमें आपके 9800 वैकेंसीज हैं वो उसका रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है। और इसके बाद तो कुछ क्वेश्चन ये भी आ रहे हैं साथियों के कि जो MCD में जो वैकेंसीज आने वाली है स्पेशल की, तो वो कब तक आएंगी, तो वो भी साथ में आने वाली हैं और वो 1000 से ज्यादा पोस्ट बताई गई हैं जो एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर से पता चला है। और इसके बाद जो रिजल्ट की भी बात आ रही है कि रिजल्ट कब तक आएंगे, तो रिजल्ट का मैंने बताया भी था, अभी तो अपडेट नहीं थी लेकिन कुछ अभी एक दो दिन में पता भी चला है। अभी उस पर कितना मतलब उसमें सच्चाई है, हालांकि पता ये चला है कि रिजल्ट रेडी है, किसी भी दिन आ सकते हैं। हालांकि हो सकता है क्योंकि अब इतना टाइम हो गया, रेडी ही होगा। और एग्जाम इनके आप अप्रैल के बाद मान के चल सकते हैं, पहले भी हो सकता है क्योंकि बोर्ड के हाथ में, लेकिन अगर लेट होता तो आपको बेनिफिट है, तो आप अप्रैल से पहले ही मान के चलें। और यही अपडेट है आप लोगों के लिए। और नोट्स के लिए आप अपनी सीट भी बुक कर सकते हैं, जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है इस पे आपको डेली करंट अफेयर्स हिंदी इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग GK साइको EVS साइंस और जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन पेपर्स और उसके भी नोट्स और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर और ये मॉक टेस्ट वगैरह, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।